इससे रिलेटेड कोई अस्पताल जा रहा है कोई, तो उसकी बात मान ली जाएगी। पांच या पांच से अधिक लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो बंद रहेंगे, लेकिन उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो सभी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स को अपने अपने कर्मचारियों को इस दौरान जब लॉकडाउन रहेगा उसकी पूरी तनख्वाह देनी होगी, इंक्लूडिंग परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। भारत सरकार से, चूंकि दिल्ली के अंदर भारत सरकार के भी दफ्तर हैं, भारत सरकार से संबंधित जो भी ऑर्डर होंगे वो भारत सरकार अपने अलग से निकालेगी, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस ऑर्डर को लागू नहीं करेगा, इसको इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अभी तक काफ़ी ये सुनने में आ रहा है कि मास्क की और सैनिटाइजर्स की काफ़ी ब्लैक हो रही है। हम सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इतनी विपदा में हैं, अगर आप इस तरह की कालाबाजारी करते हैं तो ये आप गलत काम कर रहे हैं, ना केवल कानून के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ। तो वो आप लोग, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो इससे बाज आएँ और सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। अभी तक हम 327 जगह रेड मार चुके हैं और 437 लोगों के खिलाफ हम अभी तक मामले दर्ज कर चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपके ऊपर काफ़ी परेशानियां सब लोगों को उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर इस वक्त हम लोगों ने ये कदम उठा लिया तो हम इसको फैलने से रोक पाएंगे। और अगर हम लोगों ने इस पूरी कार्रवाई से 10 लोगों की भी जान बचा ली, 20 लोगों की भी जान बचा ली, तो मुझे लगता है इट इज़ वर्थ इट।